का है और भक्ति नाम भगवान में प्रेम होने का है। भगवत प्रेम में रोने में जो आनंद है वह संसार में हंसने में नहीं है। जैसे संसार के भोगों के लिए मनुष्य रुपए खर्च कर देते हैं, ऐसे ही भक्त भगवत प्रेम के लिए मुक्ति भी खर्च कर देते हैं। जो रस प्रेम में है वह पूर्णता में नहीं है। सीताराम का विवाह भक्ति और भगवान का मिलन है, अंतरंग लीला है। प्रेम तप से नहीं होता, प्रत्युत भगवान में अपनापन होने से होता है। काली कलोटी मां भी बालक को अच्छी लगती है, यह अपनापन है कि मेरी मां है। 14 वर्ष तक राज्य रूपी फुटबॉल पर ठोकर मारी, पर अंत में राम जी पर गोल हो गया, भरत जी की विजय हो गई। संसार का संबंध माना हुआ है नहीं। संसार से संबंध मानना अज्ञान है और संबंध न मानना ज्ञान है। संसार का संयोग अनित्य है पर वियोग नित्य है। अनित्य को स्वीकार करने से बंधन है और नित्य को स्वीकार करने से मुक्ति है। संयोग में परतंत्रता है, संयोग की इच्छा करना बंधन है। संयोग के वियोग को स्वीकार करने का नाम सत्संग है। संसार से सुख लेने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं। संसार का संबंध छोड़ने से मुक्ति होती है, छूटने से नहीं। परमात्मा से हमारा नित्य योग है। परमात्मा से संयोग में भी योग है और वियोग में भी योग है। गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम अयोध्या कांड की रचना की थी। इसका प्रमाण यह है कि इस कांड के पहले तथा बाल कांड के पहले गुरु वंदना है। अन्य कांडों में ऐसा नहीं है। गुरु वंदना करके भरत जी का चरित्र लिखा। रामायण में मर्यादा का बड़े विचित्र ढंग से वर्णन हुआ है। राम जी को युवराज पद पर बैठाने के लिए दशरथ जी सर्वप्रथम गुरु जी से सलाह करते हैं, बाद में मंत्रियों से सलाह करते हैं। शकुन मंगल कारक नहीं होते, प्रत्युत मंगल सूचक होते हैं। यदि कई कई वरदान न मांगती तो भरत जी का प्रेम प्रकट नहीं होता। श्रद्धा में आज्ञा पालन मुख्य होता है और प्रेम में संग मुख्य होता है। प्रेम वियोग नहीं सह सकता। लक्ष्मण में प्रेम की और भरत में श्रद्धा की मुख्यता थी। प्रेम और श्रद्धा साथ में रहते हुए भी एक की मुख्यता होती है। प्रेमी जन भगवान के प्रभाव से आकृष्ट नहीं होते, प्रत्युत अपनेपन से आकृष्ट होते हैं। लक्ष्मण जी प्रेमी भक्त हैं, अतः वे राम जी का तिरस्कार सह नहीं सकते थे। वे प्रेम की ध्वजा हैं। ध्वजा कभी नीची नहीं होती। राम जी को आने में एक दिन रह गया, फिर भी भरत को दुख क्यों हुआ? भरत जी ने बहुत दूर तक घुड़सवार खड़े किए थे, जिससे जल्दी समाचार मिल जाए कि राम जी आ रहे हैं। परंतु अभी तक इतनी दूर से भी उनके आने का समाचार नहीं आया। फिर वे पैदल कल तक कैसे पहुंचेंगे? परंतु राम जी आ रहे थे पुष्पक विमान से। शास्त्रों में नाम जप और सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। शरीर संसार को अपना मानना कुसंग है। जो अपना नहीं है उसे अपना स्वीकार न करना भी सत्संग है, और जो अपना है
उसे अपना स्वीकार करना भी सत्संग है। जो अपना नहीं है उसे हम अपना मान लें तो ये कुसंग है, और जो अपना है उसे अपना न माने तो भी ये कुसंग है। संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। संसार से वियोग को स्वीकार करते ही परमात्मा के योग का अनुभव हो जाएगा। जगत को जानते ही हम जगत से अलग हो जाते हैं, और परमात्मा को जानते ही हम परमात्मा से एक हो जाते हैं। जो जगत को नहीं जानते वही जगत में फंसते हैं, और जो परमात्मा को नहीं जानते वही परमात्मा में नहीं लगते। भीतर कुछ न कुछ काम, क्रोध, लोभ, दोष होता है, तभी मन संसार में खिंचता है। प्रेम होने से मन भगवान की ओर खिंचता है। वह प्रेम जान से भी ऊंचा है। अयोध्या कांड में सकुचि राम मन महु मुस्काने, राम जी मुस्कुराकर मानो वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मेरी पोल मत